Hi friends, welcome back. Hardik Pandya boot at Wankhede. Sanjay Manjrekar behave. वो मुझे अभी याद आ गया. MI versus RR 2024. अगर आपको नहीं पता तो ये जो संजय है ये वो अनाउंसर टाइप था जिसने टॉस के लिए बुलाया था दोनों टीम के कैप्टन को. और जब इस ये आया हार्दिक आया तो उसने ऑडियंस को बोला कि भैया हार्दिक उस टाइप से कुछ कि भैया क्लैपिंग से उसका उसको वेलकम करो या कुछ उस टाइप से. तो वेलकम की जगह बू करने लग गई पूरी जो भी बैठे हुए थे स्टेडियम में. और उस टाइम ये महाराज अपने आप को बड़ा टीचर समझ के बच्चों जैसे बच्चे बैठे हुए हो ना और ये टीचर हो इस स्टेडियम में वो बोलता है बिहेव. मैं तो इतनी हैरान हूँ. उसके लोगों ने और बू किया. पूरा स्टेडियम में मतलब इतना मतलब बू हो रहा था और रोहित 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 हो रहा था कि क्या बताऊं. हमने वीडियो की है अगर आपने नहीं देखी तो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में ही होगी तो उसको जरूर जाकर देखना. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. इससे क्यों धुलवा रहा है, मैच में तो हम धो ही देंगे. खुद धुल रहे. मैंने तो पहले ही बोला था किसी से भी बकचोदी करो अश्विन अन्ना से मत करो. जैसे हार्दिक पांड्या ने बोला ना हम तुम्हारी टीम को धो देंगे, अन्ना के चेहरे पर मुझे दिखा डिटरमिनेशन. उन्होंने तुरंत मुंडी हिला दी. मैच में तो हम धो ही देंगे. बकचोदी मत कर लोड़े. अब वो कल एक न्यूज सर्कुलेट हो रही थी कि विराट भाई ने हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया. सबकी फट गई भाई साहब. फिर पता चला अप्रैल फूल डे है भाई. पर असली अप्रैल फूल तो मुंबई इंडियंस ने बना दिया हार्दिक पांड्या का. हम सब साथ हैं भाई तेरे, सब भाई मिलके बैटिंग करेंगे. पूरे टाइम यही वाला एड चला है जियो सिनेमा पर. मैच में तो हम धो ही देंगे. उधर विकेट गिरे इधर फिर से यही वाला एड आ जाए. मैच में तो हम धो ही देंगे. अब एज एक्सपेक्टेड वानखेड़े में मैच था. टॉस पर हार्दिक भाई आए. लोगों ने भाई इतनी तेज बू किया है हार्दिक भाई को. माही भाई को लगा मेरी एंट्री पर जो लोग चीयर करते हैं ये उनका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा भाई. उतने में संजय मांजरेकर ने बोला इट्स टॉस टाइम, राउंड ऑफ अप्लॉज. बू बू. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. बू बू. बिहेव. हाँ संजय मांजरेकर ने एकदम से पब्लिक को बोल दिया बिहेव. और जैसे ही ये वर्ड पब्लिक ने संजय मांजरेकर के मुंह से सुने हार्दिक पांड्या को 2 सेकंड में गालियां पड़ना बंद हो गई. सारी गालियां पड़ने लगी संजय मांजरेकर. मजा आया. बॉस बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे. चट्टू भाई भी सोच रहे थे संजय मांजरेकर मेरे टाइम तेरे से बिहेव ना हुआ और यहाँ बड़ा प्रोफेसर बनना फिर रहा संजू. इंपैक्ट प्लेयर का फोन इस्तेमाल करना कोई सीखे. नहीं नहीं सीखे इनसे. रिकॉर्ड बन गया भाई ये भी एक नया. रोहित भाई आज मेरी तरफ से प्लीज आप फैसला करो कौन आएगा इंपैक्ट प्लेयर ही. नमन धीरे तो तुरंत आउट हो गया. हाँ अब ब्रेविस को लेके आ जा तू एज इंपैक्ट प्लेयर यार. पर भाई ये भी तो जीरो पर आउट हो गया आते ही. तो हो गया ना फैसला. भाई साहब टीम डेविड से पहले पीयूष चावला को बैटिंग करने भेज रहे हैं ये लोग एज ए नाइट वॉचमैन कि आज तू संभाल ले पीयूष, कल सुबह सुबह टीम डेविड को भेज देंगे बैटिंग करने अगला दिन संभाल ले. नीता अंबानी का यही सब देख के भयंकर सिर दुखने लगा. उसने बोला कौन था यार वो इंपैक्ट प्लेयर, उसको जरा भेजो इधर सर की मालिश करने. और एमआई की इतनी बुरी हालत होने के बाद जब कैमरामैन ने प्रकाश डाला हार्दिक भाई पर. गांड फटे तो फटे नवाबी ना घटे. भाई मेरे को लग रहा हार्दिक भाई सदमे वदमे में तो नहीं चले गए बस हंसते ही रहते हैं. प्लीज यार अब हम इनको छेड़ना बंद ही कर देते हैं. मतलब अब रहने दो यार. बिहेव बिहेव बिहेव. रोहित भाई भी एंड के अवर्स में क्राउड को शांत कराने में लग गए थे. अरे हार्दिक पांड्या को बू करने का मना नहीं कर रहा था यार. रितिका ने धनिया और अदरक के साथ कुछ लाने का बोला था. इतना शोर हो रहा था याद ही नहीं आ रहा था. सबको बोला थोड़ा शांत हो जाओ याद करने दो. एक तो इधर मुंबई इंडियंस वन फैमिली टुगेदर फैमिली के लफड़े खत्म नहीं हो रहे थे. ऊपर से ट्रेंट बोल्ट भाई अलग नाराज हो गए कि मुझे इस फैमिली से कैसे निकाल दिया था तुम लोगों ने. टॉप ऑर्डर ही खा गए भाई बिना डकार के. अंबानी जी भी सोच रहे थे इधर रोहित हार्दिक बुमराह ईशान के लफड़े सुलझा लूं फिर तू रुक जाना भाई थोड़ा रुक जा. एक तो ये आदमी जिस दिन भी पहला विकेट पहले ओवर में ले लेता है ना भाई अपने दिल में से अलग ही एक आवाज आती है कि दो बैट्समैन को और लपेट के ले जाएगा ये साथ में. ना तो रे ना जुम के रे
क्रिकेट कम फुटबॉल ही खेलना होता है इसे। ट्रेंट बोल्ट की बॉलिंग देख हार्दिक भाई वानखेड़े के पीछे की छोटी खिड़की में से रवाना हो गए थे। नीता जी ने वापस फोन करके बुलाया कि भाई तू ही कैप्टन है, कहाँ भाग रहा है। भाई अगर तुमको इस मैच का बेस्ट मोमेंट देखना है ना, सबसे फनी मोमेंट देखना है, तो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है वीडियो, जाके जरूर। ओ जो वो फैन आया था, हमने भी देखा भाई, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर होगा देखना, ज्यादा चमक जाते हैं ये वीडियो। तुम जितनी बार देखोगे ना भाई तुमको हंसी आएगी। और एक और वीडियो मैंने डाला टेलीग्राम पे जिसमें बांग्लादेश के सारे फील्डर एक ही बॉल के पीछे भाग रहे हैं फील्डिंग करने, जरूर देखना भाई, मौज आ जाएगी। बांग्लादेश वालों से बड़ा कार्टून नहीं देखा भाई यार। हार्दिक भाई को कैप्टन साहब संभालो, हम भी देखे कैसी कैप्टनसी करते हो। आउट होकर ईटिंग शीटिंग चल रही थी रोहित भाई की। पर एक बार फिर से हमारी संतरा टोपी द लीजेंड रियान पराग जी लेके जा चुके हैं। उसको सांस तो लेने दे। हार्दिक भाई कैसे कैसे दिन आ गए, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपको रियान पराग मिल रहा है। अरे चुप कर भाई, अभी 3 मैच पहले तू भी गालियां ही खा रहा था। संजू सैमसन ने एक रिव्यू लिया था अश्विन अन्ना की बॉल पर, TRS हुआ, एम्पायर ने चेक किया, कोई अल्ट्रा एज नहीं निकला था, तो एम्पायर ने नॉट आउट दे दिया। पर बाद में संजू बाबा ने एम्पायर को जाके बोला कि भाई साहब मैं कॉट बिहाइंड का रिव्यू नहीं ले रहा था, मैं वाइड बॉल का रिव्यू ले रहा था। थोड़ी देर तक ये लफड़ा चला पर फिर भी वाइड बॉल नहीं थी। अब भाई चेक कर ही रहे हो तो सारी चीजें चेक करना चाहिए ना भाई, रिव्यू लिया है तो वाइड भी देख ही लो यार, जब दिख ही रही है कि वाइड जा रही है। तो मेरे को तो भाई यही लग रहा था अश्विन अन्ना की बॉल पे ये सब कांड हो रहा है, अश्विन अन्ना अपनी रूल बुक निकाल के एम्पायर में ना दे दे कि पढ़ पहले से, मुझे सिखाएगा बड़ा आया कल का एम्पायर। भाई मैंने तुमको कल बोला ही था, पता नहीं क्यों लग रहा है कि हार्दिक भाई सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे MI की टीम से, और मैंने स्टेक पर भी यही प्रिडिक्शन किया था। तुम लोग प्रॉफिट देख सकते हो भाई, 10,000 केवल इन्वेस्ट किए, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस टीम की उसी की थी। करनी है तो भाई स्टेक का लिंक मैंने दिया हुआ है पिन कमेंट में, जाके चेकआउट करो, रजिस्टर करो, कोड में तनय डाल देना फॉर एडिशनल बोनस। प्रमोशन ऑफ वेबसाइट इन आवर वीडियोस इज स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड्स इतना गंदा मुंबई इंडियंस खेल तो नहीं सकती। अरे चलो इसमें देखते मजा आएगा। अदर टीम्स, मुंबई इंडियंस टीम थोड़ी सी डायरेक्शन में उल्टी जाती है। मैनेजमेंट, पीयूष गो टू बैट, इट्स योर टर्न पीयूष, मैं जाऊं। रोहित भाई जैसे दो बार कंफर्म किया उसने कि ये टीम डेविड को काय के लिए बिठा रखा, ही थिंक्स ही इज पैट कमिंस। संजय मांजरेकर को लगा ही कैन साइलेंट द क्राउड, वेलकम टू पैरेलल यूनिवर्स। ऑरेंज कैप रियान पराग, RCB वॉन ट्रॉफी, गौतम गंभीर और विराट कोहली का भाईचारा, बांग्लादेश और श्रीलंकन प्लेयर साथ में खेलते हुए, भाई सच में हम लोग कोई दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गए अचानक से। देख हार्दिक स्ट्रेटजी ये है, यहाँ से आगे तू संभाल। वाह भाई क्या स्ट्रेटजी निकली है, और क्या संभाला हार्दिक भाई। कोई बात नहीं, एक टाइम में मैं भी बहुत ट्रोल हुआ करता था, द रियल मोटिवेटर रियान भाई। हमारा लन मनाए पांड्या की कैप्टनसी में रन, वाह 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 वाह, हार्दिक पांड्या आउट, MI फैन। संजय मांजरेकर भी लाइक, मैं तुमको बचाएगा खुद की छाती पर गालियां खा के। क्रूनल पांड्या अपना अच्छा है, ना कोई फैन ना कोई ट्रोलर, ये बात भी सही है यार LSG वालों। क्रूनल पांड्या चिल लाइफ जी रहे। हार्दिक पांड्या एंटरिंग इन वानखेड़े स्टेडियम आफ्टर बीइंग ट्रोल्ड फॉर 1000 times, सेम ऐसी स्माइल करते रह रहे हार्दिक भाई, चटके लग गए उनको लग रहा है। वानखेड़े ऑडियंस टू हार्दिक पांड्या, नो 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 नो। रोहित शर्मा, whenever the opposition is in blue jersey, Trent Bolt and Travis Head, आज फीलिंग है। रोहित शर्मा टू हार्दिक पांड्या, तुम कप्तान हो तुम संभालो। रोहित भाई अब जाके मजे लेना चालू किए हैं। रोहित भाई कोई कसर नहीं छोड़ रहे मैच के बाद मुझे गालियां खिलवा दे। हार्दिक पांड्या ट्राइंग टू वेक अप सूर्या, अबे रोहित तो फिर से MI का कैप्टन बना दिया, रोहित रोहित। अंबानी टू हार्दिक, ये हो जाएगा या इसमें भी कोई रंडी रन होगा तुम्हारा, या सेकंड ऑप्शन, ये हार्दिक की सेंचुरी पर पोस्ट करने को तैयार बैठा था। सही में भाई सब लोग वो मोटिवेशनल निकालने लग गए थे, एवरीबॉडी हेट्स मी बट फलाना ढिमका और कोई कोई से गाने पीछे लगाने वाले थे। हार्दिक भाई ने अपना विकेट दे दिया कि मेहनत मत करो यार, कोई बात। अंबानी जी अगर मुझे वेडिंग में बुला लिया होता तो ये सब देखने जयशा भाई से मांगे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वानखेड़े क्राउड बूइंग बहुत ही अच्छा बचाया है मांझी। MI फैंस सिंस 3 सीजन, IPL 2022, बुमराह आर्चर आ जाएंगे ना फिर देखना, 2023 बुमराह आ जाएगा ना फिर देखना, IPL 2024 सूर्य कुमार आ जाएगा ना फिर देखना। MI वाले बेचारे यार क्या क्या करें, कैसे बॉलर हैं ये, 125 रन डिफेंड के लिए 15 ओवर लगाते, मैं होता तो 4 ओवर में रन दे देता। फिर हार्दिक भाई बॉलिंग कैसे नहीं की है, बॉलिंग कैसे नहीं की है बटलर और जायसवाल के सामने। अरे रोहित भाई मुंबई तो सिर्फ पहला मैच हारती थी ना, क्या मतलब है इट्स ओके टू बी यूनिक, ये वाला मीम भी गजब वायरल हो रहा है इनका, इट्स ओके टू बी यूनिक वाला। ट्रेंट बोल्ट टू मुंबई इंडियंस, खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी, उधेड़ तो दी भाई, वार्निंग भी ना दी। अदर टीम हार्दिक पांड्या अपोजिट साइड से खींचते हुए,
एमआई एंड आरसीबी लुकिंग एट ऑल द अदर टीम ऑन पॉइंट टेबल. आरसीबी की जिस हिसाब से बॉलिंग चल रही है ना भाई, आज भी मेरे को तो डर ही लग रहा है कुछ खेला ना हो जाए इनके साथ. यार भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी से तबाही मचाते रहो, सबने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना. टेलीग्राम पे आ जाना, तो जो दो वीडियो का मैंने बोला ना भाई देख लेना, बहुत मजा आएंगे तुमको. मीम्स कमाल के थे और कई तो इतने खतरनाक थे कि देख के यूं हुआ था, जिसमें चाकू आ रहे थे ना, बेचारा हार्दिक लेटा हुआ है उसके ऊपर चाकू आ रहे दिखा रहे होए होए होए. इसने दिखा था पहले हार्दिक लेटा हुआ डर के, ऊपर से चाकू छुरी और यहाँ से बिहेव हो रहा है. बाबा रे, वो भी अच्छा था कि मतलब वो दिखा रहे हैं कि रेस हो रही है, सारी टीमें इस डायरेक्शन में और मुंबई इंडियन उल्टा, वो उल्टा रन करेगी कि उल्टा डायरेक्शन में भागेगी ये बताओ. अभी देखिए तीन हार चुके हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है. नेक्स्ट में क्या होता है, पर इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसने दी है पूरी टीम में, हार्दिक ने ही दी है, खुद ही उसने दी है. हाँ, खुद उसने, वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है टीम में, तो तभी तो मीम बने कि देखो वो इस बार आगे ठीक डायरेक्शन में लेके जा रहा है. वो जो मीम अभी लास्ट में ही था कि वो लेके जा रहा है अपनी गाड़ी को ठीक डायरेक्शन में, और वहां पे दिखाया रोहित तो दूसरे उसको उल्टी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, वो बेचारा खींच तो ठीक है डायरेक्शन, जीत के डायरेक्शन में खींच. एक में उसने अच्छा किया और तो नहीं किया था. चलो एटलीस्ट उसको ये समझ तो आ गई कि मेरे को गेम पे फोकस करनी पड़ेगी. मैंने यही तो बोला है कि अगर वो दिल जीतना चाहता है सब लोगों के, ये बू बंद करवाना चाहता है, तो उसके पास और कोई तरीका नहीं है, बस अच्छी गेम खेल के जीत के दिखाए और उससे लोगों के दिल जीते. क्योंकि उस टाइम भी जैसे अगर आपने देखा होगा जब उसने अच्छा खेला था तो लोगों ने उसको बू करने की जगह एमआई के फ्लैग्स जो थे वो लहरा रहे थे सब, जब उसने चौका या छक्का कुछ मारा था. ये भी देखना इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में सारे क्या क्या खास खास चीजें सबकी वीडियोस हमने देखी थी, तो वो जरूर देखना. उसमें दिखाया था कि कैसे जब अच्छा खेला तो बू बू बंद होके लोग झंडे लहराने लग गए. तो मैंने बोला भैया उसके लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं, सब इग्नोर करे, नेगेटिविटी इग्नोर करे, गेम पे फोकस करे. तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.